यप गाइस, तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को एक वॉइस कंट्रोल कार बनाना सिखाया है और आपके स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन शो हो रही है उससे ये कार कंट्रोल होगा। आपको ये एप्लीकेशन भी बनाना मैंने सिखाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई सी भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब इस कार को बनाने की सामग्रियों को देख लेते हैं। कार के बेस के लिए मैं यहाँ पे MDF बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। आप इसके जगह पे वुड या तो एक्रेलिक का भी यूज कर सकते हैं या तो आप मेटल की चेसी भी यूज कर सकते हैं। इसका डायमेंशन 20x10 सेंटीमीटर है। देन हमें 4 200 आरपीएम की बीओ मोटर चाहिए और उसके व्हील्स। देन इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए मैं यहाँ पे L29A10 का यूज कर रहा हूँ। आप इसके जगह पे L29 3D का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक आर्डिनो चाहिए, एक ब्लूटूथ मॉड्यूल। इन सभी को पावर देने के लिए मैं 2 लायन बैटरी का यूज कर रहा हूँ उसके होल्डर के साथ। अब सारे मोटर्स को बेस में चिपका लीजिए। तो हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल के ग्राउंड को आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करना है। और VCC को 5 वोल्ट से। ब्लूटूथ मॉड्यूल का RX पिन आर्डिनो के TX पिन में जाएगा जो कि हमारा 1 है, और TX पिन आर्डिनो के RX पिन में जाएगा 0 में। उसके बाद हमें L29A10 का फर्स्ट पिन को आर्डिनो के 7 पिन नंबर से कनेक्ट करना है, सेकंड पिन को 6 से, थर्ड को 5 से और फोर्थ को 4 से। देन आर्डिनो का VIN पिन को हमें मोटर ड्राइवर के 5 वोल्ट में कनेक्ट करना है और ग्राउंड पिन मोटर ड्राइवर के ग्राउंड से। आपको इसका सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब L29A10 आर्डिनो और ब्लूटूथ मॉड्यूल को हम बेस में चिपकाएंगे। आप इन तीनों को चिपकाने के लिए हॉट ग्लू या तो डबल साइडेड टेप का यूज कर सकते हैं। अब मोटर्स के वायर्स को L29A10 में कनेक्ट करना है। बैटरी होल्डर को कार के बेस में चिपकाना है। बैटरी होल्डर का पॉजिटिव वायर को L29A10 के 12 वोल्ट से कनेक्ट करना है। और ग्राउंड को L29A10 के ग्राउंड से। तो अब इसके लिए ऐप कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम अपने PC के स्क्रीन पर स्विच हो जाते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन है जो कि मैंने MIT ऐप इन्वेंटर पे बनाया है। अगर आप MIT ऐप इन्वेंटर से फेमिलियर नहीं है तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए MIT ऐप इन्वेंटर के ऊपर, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। मैं इस एप्लीकेशन का AI फाइल और APK फाइल दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप AI फाइल को इसमें एडिट करना चाहते हैं MIT ऐप इन्वेंटर पे, तो आप सिंपली माई प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इम्पोर्ट प्रोजेक्ट .ai फाइल फ्रॉम कंप्यूटर पे जाके यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सा सामग्रियों का यूज किया इंटरफेस को बनाने के लिए।
तो सबसे पहले स्क्रीन वन है हमारा। स्क्रीन वन में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को चेंजेस किया है मैंने, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को ब्लू किया है मैंने स्क्रीन वन का, फिर आपका आइकन मिल जाएगा यहाँ पे, आप अपना आइकन लगा सकते हो इधर से। देन उसके बाद आप इधर से टाइटल रख सकते हो, जैसे कि अगर मैं इनोवेटिव क्रिएशन लिख दूं, तो ये लिख दिया, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का स्क्रीन वन का टाइटल चेंज हो जाएगा और यहाँ पे इनोवेटिव क्रिएशन हो गया। तो उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, जिसको कि मैंने स्पेसिंग के लिए यूज किया है थोड़ा, मतलब कि जब एप्लीकेशन खुलेगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा सब चीज, तो इसका हाइट मैंने 3% किया है। उसके बाद एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जिसमें मैंने लिस्ट स्पीकर रखा है, और लिस्ट स्पीकर का इमेज को मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है स्पेसिंग के लिए। उसके बाद अगला है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में दो ठो लेबल, पहला लेबल वन है हमारा ब्लूटूथ स्टेटस लिखा हुआ रहेगा, और सेकंड है हमारा कनेक्ट और डिसकनेक्ट बताएगा। ये हमारा नाम और कलर दोनों चेंज होगा इस पे। उसके बाद फिर एक स्पेस, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में एक बटन है, बटन का मैंने इमेज चेंज करके माइक कर दिया है। उसके बाद एक और स्पेस, उसके बाद हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में एक और लेबल। इस लेबल में आपका कमांड दिखेगा जो भी आप माइक में बोलोगे। उसके बाद नॉन विजिबल कंपोनेंट्स में ब्लूटूथ क्लाइंट वन, क्लॉक वन और स्पीच रिकॉग्नाइजर वन है। तो ये तो हमारा इंटरफेस हो गया जो हमारा एप्लीकेशन खुलेगा तो कैसा दिखना चाहिए। जैसा आपको अभी दिख रहा है व्यूअर में ऐसा नहीं दिखेगा, थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप इसे एडिट कर रहे हो तो आप सबसे पहले अपना फ़ोन को इसे कनेक्ट कर लो, या तो आप इमुलेटर कनेक्ट कर लो वेबसाइट से। तो उसके लिए आप AI कंपेनियन USB या तो इमुलेटर का यूज़ कर सकते हो। ये तो हमारा इंटरफेस हो गया। तो इसके बाद हमें इसके कोड लिखना है, जो कि हम कोई सा भी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, सिंपली हम स्क्रैच लैंग्वेज से हम करेंगे इसको, कोई सा भी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करके। उससे होगा क्या ना कि जब हम, जैसे कि हम, मैंने यहाँ पे एक बटन प्रेस किया, ये लिस्ट स्पीकर वाला, ये कनेक्ट वाला बटन, तो हमारा लिस्ट खुलना चाहिए ब्लूटूथ का, तो वो सब सेट करने के लिए। तो उसके लिए ब्लॉक्स में चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक व्हेन लिस्ट स्पीकर वन बिफोर पिकिंग डू, मतलब कि लिस्ट स्पीकर से तो सारा लिस्ट आना चाहिए, तो जब हमने अभी तक लिस्ट स्पीकर को क्लिक नहीं किया है बेसिकली, उससे पहले क्या होना चाहिए, तो हमारा लिस्ट स्पीकर का एलिमेंट जो है वो ब्लूटूथ क्लाइंट वन के एड्रेसेस और नेम्स में हो जाएगा, मतलब कि हमारे एलिमेंट्स को वो एड्रेसेस और नाम सेट कर देगा जो जो हमारे ब्लूटूथ के अवेलेबल डिवाइसेस है वो सब लिस्ट स्पीकर में शो होना चाहिए। तो उसके लिए उसके बाद है व्हेन लिस्ट स्पीकर वन आफ्टर पिकिंग, जब हमने कोई सा भी डिवाइस को जब टच कर दिया, मतलब कि सिलेक्ट करने के लिए हमने टच कर दिया है, तो उसके बाद अगर हमने कॉल किया हुआ है ब्लूटूथ क्लाइंट एड्रेस को लिस्ट स्पीकर सिलेक्शन से, तो फिर हमारा एलिमेंट्स को फिर वो चेंज कर देगा एड्रेसेस और नेम से, वैसे रहने देगा। उसके बाद हमने क्लॉक पल्स लिया है, तो उसमें दो इफ देन का यूज़ किया मैंने। पहला इफ देन में है कि अगर हमारा ब्लूटूथ क्लाइंट वन कनेक्ट है तो हमारे लेवल टू का टेक्स्ट कनेक्टेड चेंज हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर बेसिकली। और दूसरा है कि अगर हमारा ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्टेड नहीं है किसी भी डिवाइस से, नॉट कनेक्टेड, तो हमारा टेक्स्ट सेम रहेगा डिसकनेक्ट और कलर हो जाएगा रेड। और उसके बाद है कि जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे, ये माइक वाला पे, तो हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजर ओपन हो जाना चाहिए, मतलब कि एक्टिव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए है जब बटन वन हम क्लिक किए तो फिर कॉल करेगा स्पीच रिकॉग्नाइजर डॉट टेक्स्ट को, बेसिकली आपका स्पीच रिकॉग्नाइजर को एक्टिव कर देगा। उसके बाद है व्हेन स्पीच रिकॉग्नाइजर बिफोर गेटिंग टेक्स्ट, मतलब कि हमने बटन को क्लिक कर दिया है, अभी तक हमने कुछ बोला नहीं है, अभी बोलना चालू करने वाले, तो उससे पहले आपका ये जो लेबल है, जैसे कि अभी आपका योर कमांड लिखा हुआ आ रहा है, तो ये ब्लैंक हो जाएगा, योर कमांड नहीं आएगा।
उसके बाद है जो हमने टेक्स्ट हमको मिल गया, मतलब कि हमने कुछ बोल दिया जैसे कि मूव फॉरवर्ड, तो वो टेक्स्ट तो मिल गया, तो हमारा फिर ये लेवल 3 चेंज हो जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा मूव फॉरवर्ड। और फिर हम ब्लूटूथ क्लाइंट 1 को कॉल करेंगे टेक्स्ट को सेंड करने के लिए अपने ब्लूटूथ डिवाइस में, जो भी कनेक्टेड डिवाइस है, और उसमें सेंड होगा जो हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजर का रिजल्ट होगा। उसके लिए कॉल ब्लूटूथ क्लाइंट 1.send text और टेक्स्ट हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजर 1 रिजल्ट। तो ये तो हमारा एप्लीकेशन हो गया। तो अब हम कार के कोड को देख लेते हैं। कोड को देखने के लिए हम आर्डिनो आईडी को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा वॉइस कंट्रोल कार का कोड है। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग करके वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने बीटी रखा है। उसके बाद एक कैर डेटा करके, और उसके बाद 4 और वेरिएबल बनाए हैं इंट वेरिएबल्स। पहला है M1, M2, M3 और M4। इसमें मैंने आर्डिनो के पिंस को डिक्लेयर किया है, वो पिंस जो कि L2 9 A10 से कनेक्टेड है। उसके बाद फिर वॉइड सेटअप में सबसे पहले मैंने अपने सीरियल मॉनिटर को 9600 बॉड रेट सेट किया है। उसके बाद मैंने M1, M2, M3 और M4 का आउटपुट डिक्लेयर किया है पिन मोड से। उसके बाद वॉइड लूप में सबसे पहले मैंने एक वाइल लूप बनाया है। उसमें है क्या ना कि जब हमारा सीरियल डॉट अवेलेबल, मतलब कि जब हमारा सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा हो, हमारे पास कुछ डेटा रिसीव हो रहा है, तो फिर हमारा जो कैर करके एक डेटा वेरिएबल बनाया था, कैर वेरिएबल, वो इक्वल टू सीरियल डॉट रीड, मतलब कि हमारा जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा में स्टोर हो जाएगा डेटा वेरिएबल में। उसके बाद है बीटी प्लस इक्वल टू डेटा, मतलब कि बीटी इक्वल टू बीटी प्लस डेटा। एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम कोई सा भी डेटा MIT एप्लीकेशन से भेजते हैं, मतलब कि MIT ऐप इन्वेंटर से जो भी एप्लीकेशन भेजते हैं डेटा जो कि अभी हम लोगों ने बनाया है, मान लीजिए कि अगर मैंने बोला मूव फॉरवर्ड, तो ना एक्चुअली वो 1 by 1 लेटर जाता है, जैसे कि M पहले आएगा, फिर O आएगा, फिर B आएगा, ऐसे करके। तो इसीलिए ना मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल टू डेटा, इससे होगा क्या कि हमारा बीटी जो होगा वो एक लाइन में डेटा को स्टोर कर लेगा। उसके बाद है हमारा सीरियल डॉट प्रिंट एलन बीटी को हमारा प्रिंट करके सीरियल मॉनिटर पे। उसके बाद अगर बीटी का लेंथ 0 से ज़्यादा है, मतलब कि हमारा कोई डेटा मिला है और वो बढ़ रहा है, मतलब कि बढ़ना चालू हो चुका है और 0 से ज़्यादा होता है, तो इस पे चले जाएगा। और इसमें कुछ और कंडीशंस है, अगर हमारा बीटी मूव फॉरवर्ड होता है तो सबसे पहले तो हमारा प्रिंट सीरियल मॉनिटर प्रिंट करेगा 1। उसके बाद हमारा कार आगे जाना चाहिए, तो उसके लिए है M1 को वो हाई कर देगा, M2 को लो कर देगा, M3 को हाई कर देगा और M4 को लो कर देगा। उसमें 1500 मिली सेकेंड का डिले है, मतलब कि 1.5 सेकेंड का डिले है। उसके बाद हमारा कार स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमारा मूव बैकवर्ड के लिए सेम है, यहाँ पे प्रिंट करेगा 2 और मोटर्स को उल्टा डायरेक्शन में घुमाने के लिए सिर्फ हमें 1 को लो करना है, हाई करना है 2 को, 3 को लो करना है और 4 को हाई करना है। फिर वैसे ही 1.5 सेकंड के बाद वो लो हो जाएगा सारा पिन, तो गाड़ी रुक जाएगा। फिर टर्न लेफ्ट में भी सेम है, यहाँ पे सिर्फ 3 प्रिंट करेगा और M1 को लो कर देगा, M2 को हाई कर देगा, M3 को हाई कर देगा और M4 को लो कर देगा। उसका 800 का डिले है, 800 मिली सेकेंड का। अगर आपका कार थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है, मतलब कि बैटरी का पावर पे भी वो डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से इसे एक बड़ा घटा सकते हैं। अगर आप बढ़ाओगे तो ज़्यादा रोटेट करेगा, अगर आप घटाओगे तो थोड़ा सा ही रोटेट करेगा। तो उसके बाद फिर लो कर देगा कार को, वैसे ही टर्न राइट के लिए भी है। अगर आपको वो मल्टीपल कमांड से सेम चीज़ करना है, मतलब कि अगर आप सेंड करते हो टर्न राइट से भी राइट मुड़ना चाहिए, राइट से भी राइट ही मुड़ना चाहिए, मतलब कि दो कमांड हो गया ना, तो उसके लिए आप सिंपली इस कमांड को कॉपी करना, ये वाला को कंट्रोल सी, और इसके नीचे में पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद आप सिर्फ यहाँ पे टर्न राइट के जगह पे सिर्फ राइट कर देना, तो ये हो जाएगा डबल कॉमा के अंदर, वह डबल ब्रेसेस के अंदर हो गया। उसके बाद है हमारा BT इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा, कुछ डेटा नहीं रहेगा। नहीं तो अगर ये नहीं डालोगे ना, तो आपका जैसे कि अगर मान लो कि अगर मैं बोला मूव फॉरवर्ड,
वो प्लस तो हो गया एक लाइन में, अगर हम फिर बोलते हैं टर्न लेफ्ट तो वो एक सेंटेंस में बना देगा, मतलब कि मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट, ये पूरा एक ही साथ आ जाएगा। तो इसी के लिए है बीटी। उसके बाद हमारा ये कोड हो गया, तो अब हम आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे। आर्डिनो को कनेक्ट करने से पहले आप ब्लूटूथ के पिन को हटा लीजिए और आर्डिनो को अपने पीछे से कनेक्ट कर लीजिए। कोड अपलोड करने से पहले आप टूल्स में चले जाए और अपना बोर्ड और पोर्ट सिलेक्ट कर ले और कोड को अपलोड कर दे। तो हमारा कोड अपलोड हो चुका है, अब हम अपने नॉर्मल स्क्रीन पे स्विच हो जाते हैं। तो अब RX और TX पिन को कनेक्ट कर दीजिए जो खोला था, और बैटरीज को बैटरी होल्डर में लगा देना है। हमारे व्हील्स को भी कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हमारा कार रेडी हो चुका है, तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कार को ऑन कर लीजिए और अपने फोन का ब्लूटूथ सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए, देन ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिए। ऑन कर लेने के बाद थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको एक अवेलेबल डिवाइस आएगा कुछ ऐसा लिखा हुआ, अब उसे टैप करेंगे ना तो आपको पासवर्ड पूछेगा। यूजुअली ना H605 का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1234 होता है, तो आप 1234 डाल लीजिए। 1234 ओके। जैसे आप ओके करेंगे वैसे थोड़ी देर के बाद ये पेयर हो जाएगा आपके फ़ोन से। पेयर हो जाने के बाद आप ब्लूटूथ का एप्लीकेशन खोल लीजिए, आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप ओपन करोगे ना पहला टाइम तो आपको यहाँ पर डिसकनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, देखिए अभी तक हमारा कनेक्टेड नहीं है इसीलिए आ रहा है। जैसे आप कनेक्ट कर लोगे कनेक्ट में जाके H605 को, तो यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। तो अब माइक को टैप करके हमें कुछ कमांड देना है, जैसे कि मूव फॉरवर्ड मूव बैकवर्ड, तो मैं करके दिखाता हूँ। मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, टर्न लेफ्ट, मूव बैकवर्ड, मूव फॉरवर्ड, राइट। आप ये राइट और लेफ्ट घूमने का डिले को कम करेंगे तो आपका कार थोड़ा ही रोटेट करेगा, जैसे कि अभी मेरा पूरा रोटेट कर रहा है। आप जैसे ही डिले को कम करोगे ना तो आपका कार कम रोटेट करेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई सा भी टिप देना है या तो आपको कोई सा भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आपको मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।